हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबिन उथप्पा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रॉबिन उथप्पा केकेआर की टीम से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपनी टीम चेंज करना चाहते हैं। इवन कोलकाता नाइट राइडर्स भी रॉबिन उथप्पा को निकालना चाहता है क्योंकि वो फॉर्म में नहीं चल रहे। और यहाँ पर आरसीबी की साइड से ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई है कि वो रॉबिन उथप्पा को लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी टीम में कोर इंडियन बैट्समैन नहीं है। तो अगर ये सब आपस में एक चीज़ की ओर इशारा करते हैं कि रॉबिन उथप्पा आरसीबी में आ रहे हैं, तो आखिर इससे कौन से रीज़न है जिनकी वजह से उथप्पा नहीं आ पा रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से रॉबिन उथप्पा नहीं आ पा रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पर शुरू करते हैं। और जो सबसे मेन रीज़न यहाँ पर इस प्रॉब्लम का है, वो प्रॉब्लम है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पर रॉबिन उथप्पा को काफ़ी महंगे प्राइस में खरीदा था, और ऐसे में अगर रॉबिन उथप्पा यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में जाते हैं तो केकेआर उनसे सीधे सीधे पैसे मांगना चाह रही है। अब इसके अंदर अलग ही इनकी पॉलिटिक्स चल रही है जो कि न्यूज़ में नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बात तो कर ली है और उन्होंने यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बोला है कि जितनी भी प्राइस रॉबिन उथप्पा की है वो आप हमको दे दो ताकि आईपीएल 2020 का जो भी ऑक्शन होगा उसमें वो रॉबिन उथप्पा के बदले किसी अच्छे प्लेयर को खरीद सकें। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से स्टेटमेंट ये आ रही है कि वो रॉबिन उथप्पा को पैसे देकर नहीं खरीदना चाहते क्योंकि उनको भी अपना पर्स बढ़ाना है या फिर उनको भी ऑक्शन में कुछ अच्छे बॉलर्स की तलाश है। तो ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चाहती है कि ट्रेड ना हो बल्कि हो एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स, यानी कि रॉबिन उथप्पा उधर से इधर आ जाए और यहाँ से कुछ प्लेयर एक्सचेंज होकर उस टीम में चले जाएं। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एक्सचेंज हो प्लेयर्स का क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इंडिया के काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आरसीबी के पास रॉबिन उथप्पा उनको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इंडिया के बैट्समैन उनके पास नहीं है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच ये बात बन नहीं पा रही है। जहाँ एक और कोलकाता को चाहिए पैसे तो आरसीबी को चाहिए यहाँ पर कि वो पैसे ना मांगे बल्कि वो प्लेयर्स को कर ले एक्सचेंज। अब ये देखना पड़ेगा कि कब तक इनकी बातें चलती हैं और क्या रॉबिन उथप्पा यहाँ पर कोलकाता के पास ऑप्शन उनको रहेगा ट्रेड करने का या फिर वो उनको रिलीज़ कर देंगे और आईपीएल 2020 में भेज दिया जाएगा ऑक्शन के लिए। अब ये बात तो कन्फर्म्ड है कि रॉबिन उथप्पा हमें नहीं खेलते हुए नजर आएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आईपीएल 2020 में। लेकिन ये भी कन्फर्म्ड है कि यहाँ पर केकेआर अगर आरसीबी को ये देगी तो उनको स्ट्रेट पैसे मांग रहे हैं वो, उनके बदले उन्हें प्लेयर्स नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रॉबिन उथप्पा हमें देखने को मिल सकते हैं आईपीएल की रिलीज प्लेयर की लिस्ट में, यानी कि रॉबिन उथप्पा एक बार फिर से उन पर बोली लगेगी, एक बार फिर से उन पर बिडिंग होगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ थी, मैंने आपको बता दिया आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भी और केकेआर की भी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से इनकी ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना। कॉमेंट करके आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताना कि क्या आप लोग देखना चाहते हो रॉबिन उथप्पा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में। और इसी तरह से क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज़ और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।